जितने भी लास्ट सेमेस्टर होते हैं चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट जरूर रहता है बीकॉम में और बीबीए में ख़ास तौर पर प्रोजेक्ट तो लास्ट सेमेस्टर में रहता ही रहता है आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जितने लोग हैं उसका भी प्रोजेक्ट वर्क है हंड्रेड मार्क्स का ठीक है ऑनर्स वाले में है और जो सब्जेक्ट कोड है आपका सी सी सिक्स पॉइंट वन सी एच अब प्रोजेक्ट कैसे बनाना है सुनिएगा कि प्रोजेक्ट आप कैसे बनाएंगे लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के पहले कुछ चीजों का ध्यान आप जरूर रखिएगा जैसे प्रोजेक्ट का जो टॉपिक चुनेंगे वो बहुत ही इजी हो और उसके बारे में आप जानते हैं कारण क्या है कि जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे उसमें आपका भाईवा भी होगा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन क्रॉस भी करेगा क्वेश्चन का कर, क्रॉस क्वेश्चन का भी जवाब देना पड़ेगा इसीलिए इसका एकदम से जिस टॉपिक में आप बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं वही इजी टॉपिक का चुनना है चुनाव करना है क्योंकि इससे क्या होगा आप उस बारे में पूरा जानते हैं क्वेश्चंस बोलेगा तो आप उसको जवाब दे पाएंगे अब आइए कि भाई प्रोजेक्ट में को जो बनाएंगे कैसे बनाएंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए नो डाउट बहुत सारे पेज पच्चीस तीस पेज लग सकते हैं हर एक पेज में क्या लिखना है कुछ पेज है जिसको जरूर से आप समझ लीजिए और रेफरेंस के लिए आप आराम से पूरे वीडियो को देखेंगे तो एक पूरा प्रोजेक्ट आपको रेफरेंस के लिए दिए क्योंकि जो जो बोलते जाएंगे वहां चलता जाएगा सबसे पहला फर्स्ट पेज फर्स्ट पेज में टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट देना है यह एक जीएसटी के ऊपर जो कॉमन होता है हर एक कॉलेज में देता है उसके ऊपर है क्या क्या लिखा हुआ है टाइटल है टाइटल के बाद जीएसटी का दे रहे हैं, तो जीएसटी लिखा जाएगा बाकी और बोलेंगे सर क्या क्या होता है वो बताएंगे हम सबमिटेड बाई नेम पहला पेज में सीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर सीयू का रोल नंबर नेम ऑफ द कॉलेज और कॉलेज का रोल नंबर और कॉलेज का लोगो और फिर सुपरवाइजर का नाम जो आपको प्रोजेक्ट दिया है और किस मंथ में आप सबमिट कर रहे हैं वो मंथ आ गया समझ में पहला पेज में इतना ही कुछ लिखा हुआ यही आपको लिखना है सेकेंड पेज एनएक्सर वन अब एक्सर वन आ गया देखिए सुपरवाइजर सर्टिफिकेट यह बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर जो आपको प्रोजेक्ट दिया है उसका साइन उसमें करवा लीजिएगा जो प्रोजेक्ट आप बनाइएगा तो देखिए कितना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है पहले वीडियो को आप लाइक कीजिए और साथ ही साथ अगर अभी तक माथुर सर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो बनता है यार दबा के शेयर कीजिए अब आइए एन एक्सर टू पेज नंबर थ्री स्टूडेंट्स डिक्लेरेशन आप अपना डिक्लेरेशन देंगे कि ये जो बनाएं, आप खुद बनाए हैं ये डिक्लेरेशन है क्या लिखना है देख लीजिए वहां पर आराम से देखिए पढ़िए और ऐसा ही आपको बनवाना है खाली नाम जहां जाए, है उसको चेंज कर दीजिएगा अपना नाम रखिएगा अपना एड्रेस दीजिए अब पेज नंबर फोर थोड़ा आप लोग भी बोलिए तभी तो पता चलेगा ना कि यहां पर आप बैठे हुए हैं पेज नंबर फोर क्या है एक्नोलॉजमेंट क्या है इसका मतलब भाई जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं अकेले थोड़े ना बनाए आपका दोस्त हेल्प किया होगा पेरेंट्स हेल्प किए होंगे कॉलेज के टीचर हेल्प किए होंगे जो प्रोजेक्ट दिए वो भी हेल्प किए होंगे सभी को थैंक्स बोलना है ठीक है अरे यार मेरे को नहीं बोलना हम थोड़ी ना हेल्प करेंगे ठीक है तो थैंक्स बोलना है अब आइए फिफ्थ नंबर पेज फिफ्थ नंबर पेज बहुत इंपॉर्टेंट है यह तो चार तो फॉर्मेलिटीज था जो जरूरत है अब जो पांचवा नंबर है ना उसमें टेबल यानी देखते हैं ना कोई बुक बुक का जो सामने का फ्रंट का पेज रहता है जहां से आप रेफरेंस लेते हैं भाई ये टॉपिक कहां पर है ये टॉपिक कहां है कभी कभी देखते हैं ना कोई एक टॉपिक होता है वन लिखा हुआ लेकिन उसमें सब सेक्शन रहते हैं 1.1, 1.2, 1.3 तो यहां पर जो एक टेबल का कंटेंट दिया हुआ है उसको थोड़ा बढ़िया करिएगा यार अब कैसा किया हुआ है ऐसा मत कीजिएगा थोड़ा दिखे यार कि आप एक बना रहे हैं प्रोजेक्ट जैसे यहां पर वन नंबर में देख रहे हैं एनएक्सर है टू नंबर पेज में ये सब में तो कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन फिफ्थ नंबर पेज से चेंज हो जाएगा फिफ्थ नंबर में मान लीजिए आप जो भी चीज डालें पहला टॉपिक उसमें 1.1 1.2 करके डालें तो वैसे डालिएगा फिर इसमें आप देख रहे हैं एक एक करके इंट्रोडक्शन ऐसे करके पेज चलेगा और बहुत धीरे धीरे चलेगा अच्छा एक वर्ड इसमें यूज होगा देखिए ये जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं जीएसटी के ऊपर या किसी के ऊपर तो वो डाटा आप बहुत जगह से लिए जनरली गूगल से लोग लेता है तो उसके लिए जो वर्ड है यानी रेफरेंस कि डाटा आपने कहां से लिया डाटा कहां से लिया उसके लिए क्या होगा एक वर्ड ये याद रखिएगा तो इसमें मतलब हुआ रेफरेंस कि भाई डाटा आपने कहां से कलेक्ट किया यहां पर अभी वो पेज रुक गया है जरा ध्यान से देखिएगा कि डाटा आपने कहां, कहां से लिया इस तरह से आपको उसका लिंक भी देना पड़ेगा लिंक भी देना पड़ेगा कि कहां से आपने लिया एंड आप देख रहे हैं एक और भी चीज आएगा क्या बोलिए अब लास्ट में आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि भाई क्या है एंड रिकमेंडेशन मान लीजिए जीएसटी के ऊपर आपने बनाया तो आपको पूरा आपने इसको बनाने में समय लगाया एक एक चीजों को पढ़ा अगर इंसान कुछ पढ़ता है तो उसमें क्या कमी है क्या अच्छाई है क्या बुराई है सब कुछ पता चलता है तो अगर आप वो सारे कुछ पढ़ने के बाद अगर आप अपने तरफ से कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हैं रेफरेंस देना चाहते हैं कि इसको और अच्छा हो सकता था ये करने से वो करने से जैसे मान लीजिए आप जीएसटी बनाएंगे तो आपको लगेगा भाई पेट्रोल डीजल को नहीं जीएसटी के अंदर लाया जाएगा वन नेशन वन टैक्स बोल रहे तो उसको अलग क्यों कर दिए थोड़ा उसका भी जो सेवन करता है भाई उसका भी अलग जीएसटी का रेट है तो उसको भी नहीं जीएसटी के अंदर लाया जाए ताकि उसको भी थोड़ा राहत हो थो। तो ये सारे चीज अगर आपके दिमाग में आते हैं ख्याल आते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है रिकमेंडेशन लास्ट में अब सारा कुछ करने के बाद लास्ट में कुछ आंसर क्वेश्चन आप करेंगे और क्वेश्चंस को आपने पूरा पढ़ लिया सब कुछ कर लिया अब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आप अपने मन से बनाएंगे ठीक है और लोगों से पूछेंगे डाटा कलेक्ट करेंगे यानी पब्लिक से आपको पूछना पड़ेगा कि जो जीएसटी जैसे पहला क्वेश्चन है विल सोसाइटी गेट बेनिफिट थ्रू जीएसटी इंप्लीमेंशन की जो इंप्लीमेंट हुआ जीएसटी का उससे क्या सोसाइटी को कुछ फायदा हुआ तो हा या ना यस या नो में खाली जवाब पूछेंगे तो आपको पब्लिक से पूछना है हमको पता है कि आप पब्लिक से तो पूछेंगे नहीं आप खुद एक पब्लिक है यह पब्लिक है गाना है ना ये पब्लिक है सब कुछ जानती है ये पब्लिक है तो आप पब्लिक हैं और आप सब कुछ जानते हैं इसीलिए आप खुद से ये स्नो मार दीजिएगा और यशनो मारने के बाद लास्ट में जो आपने सर्वे किया सर्वे किए ना लोगों से पूछे सर खुद से सर्वे किए अरे वो थोड़ा ना जानता है तो वो सर्वे जो आपने किया उसमें कितना लोग यस बोला नो बोला कोई भी पहला क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन का यस नो कोई बोलेगा ना भाई क्या जीएसटी इंप्लीमेंट होने से सोसाइटी को फायदा हुआ कोई बोलेगा हाँ कोई बोलेगा ना कोई बोलेगा हमको पता ही नहीं भैया तो तीन चीज बनाना पड़ेगा यस नो एंड कोई जो नहीं जानता है, तो इस तरह से बनेगा किसी में नो वाला ज्यादा हो गया तो नो वाला ऊपर हो जाएगा यस वाला नीचे हो जाएगा ये बनाना पड़ेगा वहीं जाके इंड होता है लास्ट में क्वेश्चन आंसर एंड उसको ग्राफ में पुट करना पड़ता है आपके रेफरेंस के लिए यार जीएसटी के ऊपर मैंने बना के लगा दिया है ठीक है तो फिर वीडियो तो आता ही रहेगा यार ये कैसे बोल सकते हैं कि वीडियो नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं